उनकी डबिए उनकी डबल रेट बढ़ा दिए। हुकूमत ऐयाशियां करे और आवाम शहरी जो है ना वो डूब के मर जाए बस। अब बंदों हर आदमी के हाथ में पत्थर होना है और गाड़ियों के ऊपर शीशों पर लगने हैं इंशाल्लाह। हुकूमत आवाम पर कहर बनकर टूट पड़ी, महंगाई के मारे आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 248 रुपये 74 पैसे हो गई। डीजल 13 रुपये 23 पैसे महंगा, नई कीमत 276 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। मिफ्ता इस्माइल का कीमतों में इजाफे का मलबा फिर इमरान हुकूमत पर डालने की कोशिश, कहा इमरान खान के माहदे के मुताबिक आज 70 रुपये से जायद टैक्स होता। पेट्रोल की कीमतें अभी और ऊपर जाएंगी, लेवी के बाद ये सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया, बोले हम इतनी बड़ी लेवी पर आईएमएफ से मुआहदा ना करते। मुजम्मिल असलम कहते हैं हुकूमत को 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाना है, आज पहली किस्त आई है। नून लीगी हुकूमत के पास कोई मौशी पॉलिसी है ही नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, रात गए राशिद मिन्हाज, स्टेडियम रोड, नर्सरी, नीपा और कायदाबाद में बारिश। मलीर बिन कासिम, लांढी, कोरंगी समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम, मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद में 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून का नया स्पेल 7 से 8 जुलाई को शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।